हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। तो बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग इंडिया भारत, इसमें जो है 995 पदों के लिए जो है भर्ती निकली हुई है। IBACIO इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनमें जो है आप लोगों के लिए 995 पोस्ट के लिए जो है भर्ती निकली हुई है। बात करेंगे टोटल पोस्ट के बारे में और नोटिफिकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, फीस वगैरह आप लोगों को क्या पेड करने पड़ेगा, मैं आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इस आईबी की भर्ती के बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती जो है हर साल निकलती है और ये काफ़ी अच्छी भर्ती है, जिसमें आप लोगों को सैलरी जो है मिनिमम सैलरी की बात करें तो 73,000 से 74,000 जो है मिलने वाली है, और मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी जो है 1,00,000 से ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट जो है 995 हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 377 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 134, एसटी कैटेगरी के लिए 133, ओबीसी कैटेगरी के लिए 222 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 124 पोस्ट हैं। और अब बात करते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है 21 नवंबर को ही रिलीज कर दिया गया इसका, और इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे 25 नवंबर से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होगी वो 15 दिसंबर निर्धारित की गई है, और एग्ज़ाम डेट जो है अभी शेड्यूल नहीं किया गया है। और अगर फीस की बात करें तो एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है ₹450, और अगर बात करें जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी, इन सभी के लिए जो फीस है वो ₹550 रखी गई है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज जो है 18 से 27 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी 18 से 27 वर्ष के लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ तो अगर आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आप लोग किसी भी राज्य के हों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बस आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न जो है आप लोगों का 3 भागों में बांटा गया है, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। इनमें से अगर बात करें तो आप लोगों का Tier 1 और Tier 3 ही इम्पॉर्टेंट है। अगर Tier 1 की बात करें, यहाँ पर जो है आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा आपका, और इस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 1 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क का होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, सभी के जो है आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 100 मार्क का जो है आप लोगों का टोटल क्वेश्चन होगा, 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है, और टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। तो ये एग्जामिनेशन जो है Tier 1 में होगा और यही एग्जामिनेशन आपका मेन है। अगर बात करें Tier 2 एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे आप लोगों का जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जहाँ पे आप लोगों को ASA लिखना पड़ेगा, ये 30 मार्क का होगा, और यहाँ पे 20 मार्क का आप लोगों का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज रिटन राइटिंग का जो है पेपर होगा, यानी Tier 2 की बात करें तो ये 50 नंबर का जो है पेपर होगा, ठीक है, और ये मान के चलिए यहाँ पर आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और Tier 3 की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 100 नंबर का जो है आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम पैटर्न मान के चलिए कि आप लोगों का पहला Tier और तीसरा Tier जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी सारी जानकारी जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।